इधर वाली है, और अभी कुछ शायद अगले महीने में CDS का भी हो जाएगा, तो उसे एक आइडिया लगेगा करंट अफेयर को लेके। तो करंट अफेयर ये मतलब समझ लेना कि उधर चांसेस है करंट अफेयर आने के। जियो साइंटिस्ट का पेपर हो चुका है। कब हुआ था सर? अभी हुआ है, 1-2 दिन पहले, शायद इसी संडे को हुआ है। आज कल तो था शायद संडे, कल तो था। जनरल स्टडीज ये पेपर देखो, 19 तारीख को हुआ, 19 फरवरी को। तो इससे क्या आइडिया लगता है कि आपके वैसे करंट अफेयर किधर फोकस करने वाली क्या है, ठीक है? तो एक बार इसको देख लो। कुछ कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन से भी पता लगेगा, ठीक है? तो बेसिक साइंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है? मैं कुछ कुछ हाईलाइट करवा रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना, ये बेसिक साइंस वाला क्वेश्चन इसमें क्या हुआ? सिस्टर कैसे? मैं तो सर टार्ट्रिक है। हाँ, मतलब ये मैं बता रहा हूँ, बेसिक साइंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है? ये इतना अपने को एक कंजर्वेशन स्ट्रॉन्ग एसिडिटी, रुक जाओ, हिंदी में भी है क्या पेपर? नहीं, इंग्लिश में आता है, ठीक है? ये कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गया, इतना इतना ये सब स्पेसिफिक साइंस चला गया अपना, ठीक है? इतना काम का नहीं आएगा। RLC देखो, इम्पोर्टेंट अब की बार, तो ये लिख, ये इस पेपर को देख के सब लोग अपना जो है करंट अफेयर तैयारी इसके बेस पे करो, ना कि मार्केट में सो चीज़ें चल रही उसके बेस पे नहीं, ये चीज़ याद रख लेना। तो RLC 2018 में आराम सागर पूछा था सर, 2018 में। हाँ, UPSC के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये करंट अफेयर का टॉपिक उठाओ यहाँ से। तो RLC इम्पोर्टेंट है। इन सेंट्रल एशिया सिचुएटेड अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्री, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको जाके देख लो। अब ये इम्पोर्टेंट वाली लिस्ट में एड ऑन कर लेना, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है? ये थोड़ा देख लेना, ये क्वेश्चन जैसे ये कोई ज़रूरत नहीं है, ये देखने की ज़रूरत नहीं है, पर इस क्वेश्चन को ज़रूर देख लेना, और ये भी कोई ज़रूरत नहीं है देखने का, ये देख लेना क्वेश्चन, इसका आंसर देखना जाके, ठीक है? वो अमॉन्ग द फॉलोइंग साइंटिस्ट डेवलप द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा इतना स्पेसिफिक UPSC फालतू को नहीं पूछता, ये भी नहीं पूछेगा, ठीक है? इधर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, UPSC ने क्वेश्चन पूछा ऑलरेडी पहले, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, याद रख लेना, ठीक है? और सबसे बड़ी बात है कि नहीं, स्टेटमेंट बना के दिया, मैं फिर बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे पिछली बार भी इसी पेपर से, तो इसके एक एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन ज़रूर देखना है, ठीक है? अब आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गैलापागोस आइसलैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से तुम्हारे करंट अफेयर तैयार हो जाएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, यही है, ठीक है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इसको भी। आगे देखो, द एंशियंट सिटी ऑफ तक्षशिला इज सिचुएटेड इन द विच वन ऑफ द अमंग फॉलोइंग प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ये भी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है? द प्राइम मेरिडियन जीरो, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तुम्हारे जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इससे, ठीक है? ये क्वेश्चन भी देखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल फॉर्म ए रीजन हाई सेंट कॉन्सेंट्रेशन रीजन लो, ये देख सकते हो, बस इसमें ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, ये क्या होता है क्योंकि बेसिक साइंस का है, तो ये बेसिक साइंस अगर आप 6 to 10 पढ़ोगे ना उसमें है ये रिसर्च, ये ऑसोमोसिस सब पढ़ते हो, ऑसोमोसिस पे तो काम करता है आरओ, आरओ जो आरओ जो होता है, तो ये पढ़ लेना, ये मतलब आंसर पता कर लेना, ये कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वाटर मोमेंट रूट कॉर्टेक्स एंडोमेस किस में जाता है, इतना ज़्यादा, ठीक है? इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये कुछ बहुत ज़्यादा डीप में हो गया है, इतना ज़्यादा, अगर वाटर की क्वालिटी UPSC ने पूछी है 1-2 बार, ठीक है? पर वाटर मूवमेंट इन रूट, रूट के बारे में UPSC ने क्वेश्चन पूछा तो है 1 बार, ठीक है? पर इतना जाके कोई उसका पूछेगा, फिर भी एक आंसर देख लेना कि आंसर क्या है इसका, बस इतना जाने की जरूरत नहीं है। आफ्टर फ्यू डेज ऑफ सोविंग मेंशन सीड्स इन द सोइल इस्पेक्टिव देयर पोजिशन रेडिकल साइकिल डाउनवर्ड्स हाइड्रोपोजियम, ये नहीं, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक साइंस हो गया, कोई ज़रूरत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक ऑफ द ज्वाइनिंग पार्ट टू प्लांट्स ऑफ कंपोजिट प्लांट, नो, मतलब फिर भी इसका एक ऐसा करना आंसर जान लेना कि मतलब
जो उत्तक संवर्धन वाली जो तकनीक है ना, वो उसमें एक बेसिक साइंस है, तो ये थोड़ा एक बार आंसर देख लेना बस, इस ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। देखो विजयनगर साम्राज्य में, फिर बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी अपन एंशियंट मीडिवल में पढ़ेंगे, वो चैप्टर पढ़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ। और ओल्ड एनसीईआरटी से जरूर इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना, क्वेश्चन आएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विजयनगर साम्राज्य पिछले 4-5 सालों से पूछ रहा है, और इधर भी पूछ रहा है, देख लो ये चीज़। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर वेकुलर बंडल इन विच जाइलम फिलोम। जाइलम और फिलोम का यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, देख लेना है क्वेश्चन को, यूपीएससी ने पूछा है ऑलरेडी इन क्वेश्चन को। ठीक है, ट्रेवलर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, और अब की बार बनेगा, क्यों, राम मंदिर का जो साक्ष्य था उसमें ट्रेवलरों ने ही दिया था उसके बारे में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे विच फॉलोइंग द बुक द 1857, ये इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री का। ठीक है, तो ये तो पता होना चाहिए, पर इतना नहीं, परंतु पता होना चाहिए कौन सी बुक का, क्योंकि पिछली बार बुक के बारे में पूछा था, तो बस एक बार पता कर लेना कोई किसके बारे में, इसी के बारे में पता कर लेना, ज़्यादा उसका उत्तर ज़्यादा की जरूरत नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूपीएससी ने पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा था 2023 में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, तो क्योंकि पिछली बार तो वो ही पूछा था, अब की बार इसकी स्पेसिफिक स्टेटमेंट बना के पूछा, और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेम डिफरेंट बायोमास, बायोमास ट्रॉपिकल सवाना, वेरी जियोग्राफिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं फिर बता रहा हूँ, इसी से रिविजन करो। ठीक है, नाइट्रोजन साइक्लिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रोइजम मेडिक मेडिटेट केमिकल इक्विटी सोइल इन्वायरमेंट इन द कंट्री, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये है ना, इतना यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा इतना जाके अंदर साइंस, परंतु ये जो क्वेश्चन है दैट्स द वेरी गुड क्वेश्चन, यूपीएससी क्या करेगा इसी को आंसर बना देगा। ठीक है, तो मतलब नाइट्रोजन साइकिल क्या काम करती है तो पता होना चाहिए, ये कोई ज़रूरत नहीं है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब स्पेसिफिक नो, ये कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको देखना भी मत। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया विच वन ऑफ द अमाउंट फॉलोइंग स्टेटमेंट, पॉलिटी का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं फिर बता रहा हूँ पेपर यहीं से बनेगा, सीडीएस से एनडीए से भी एक आइडिया लग जाएगा आपको, टॉपिक कौन से पढ़ने हैं इससे पता लगता है। जैसे केग है चर्चा में, तो केग को अच्छे से पॉलिटी में जाके पढ़ लेना, हाईलाइट कर लेना वहाँ पर जाके, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना, ये कोई ज़रूरत नहीं है। विच फॉलोइंग द मोस्ट नेगेटिव नो, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द पावर टू मेक प्रोविजन विद द रेस्पेक्ट टू डिलिमिटेशन, याद रखना, पार्लियामेंट का पावर नहीं है ये, डिलिमिटेशन कमीशन बनता है, उसकी पावर होती है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ, चुनाव से रिलेटेड है, उस दौर का क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कोई मतलब नहीं है, फॉलोइंग शब्द है, ये भी कोई मतलब नहीं है। इधर देखो, ए स्पेशल प्रोविजन वॉज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 89th अमेंडमेंट इट नेशनल कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसी के थ्रू तैयारी करो, आपको यहाँ से 1-10 क्वेश्चन ये मिले। क्या था सर, क्या था, क्या क्या था सर, 34 नंबर, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब उनके बारे में है। अच्छा, नेशनल कमीशन वो फॉर वुमेन इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हाँ ये स्टेटमेंट सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो ये गया। अब देखो, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर कॉन्स्टिट्यूशन, नो ये माइनॉरिटीज वाला ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, दूसरा काटो आंसर आ जाएगा। अब देखो, फर्स्ट पढ़ो, जी स्पेशल प्रोविजन वाज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 89th कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2023 एस्टेब्लिश नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल शेड्यूल की इसको सेपरेशन के लिए जरूर बना था, ये एक बार देख लेना। ठीक है, पहले बना तो ये शेड्यूल का जो मतलब शेड्यूल ट्राइब वाला कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो पहले से ही था, इसका हो सकता कि अलग से किया गया, तो एक बार देख लेना, और मैंने बोला भी था कि अमेंडमेंट जो है पॉलिटी में इंपॉर्टेंट है वो, तो देखो, और मैं फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन बनेगा, ये चीज़ याद रख लेना, यहीं से पता करो कौन कौन सी क्वेश्चन, ये कोई मतलब नहीं है, ये भी कोई मतलब नहीं है। अब देखो, विच वन ऑफ द अमंग फॉलोइंग आइलैंड साउथ ईस्ट इज सिचुएटेड बिटवीन वर्ल्ड एंड, ये देखो इम्पोर्टेंट, यहीं से करंट अफेयर तैयार हो जाएगा, ये कोई मतलब नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द इंटर, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। विच वन द फॉलोइंग कंडीशन नॉट करेक्ट कॉम्बिनेशन द एटोमिक ऑर्बिटिकल फ्रॉम द मोलिकुलर ऑर्बिटिकल, मैंने इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मैंने फिर ठीक है आंसर एक बार देख लेना। सेम सेम टू मॉलिक्यूलर एक्सिस, नो नो कोई ज़रूरी नहीं, फालतू रहने तो कोई ज़रूरी नहीं, ये क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रॉपिकल रेडियस फॉरेस्ट, इंपॉर्टेंट है,
और मैं फिर बता रहा हूँ, देखो फॉरेस्ट क्वेश्चन 3 4 बार पूछा, यूपीएससी ने पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा था, तो ये चीज़ याद रखना कि ये इस चैप्टर को अच्छे से, अब ये इससे ये पता लग रहा है इस चैप्टर को अच्छे से करना है, ठीक है, सवाना ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। आगे देखो, विच टू फॉलोइंग स्टेट्स आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, इसके बॉक्साइट के बारे में अच्छे से पढ़ना है। इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट आपकी बार इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। वो मिनरल्स वाले जो आपने फोटो भेजे हैं हाँ ना सर, वो उसमें बहुत सात इंपॉर्टेंट आठ है, वो हर साल सात आठ क्वेश्चन वो पूछता। सारे ही पूछे गए हैं हाँ, यूपीएससी में, मैंने देखा। और वो इसीलिए तो मैंने भेजा था, डाउन टू अर्थ मैगजीन में आया उसका आर्टिकल, याद रखना। रेयर अर्थ मेटल है वो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रेनेट कल्टीवेशन इंडिया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछता भी है। मैनी फ्रूट्स बर्ड्स विथ ए सडन जर्क बिकॉज ऑफ विच ऑफ द सीड आर सेक्रेटेड फॉर यार्ड्स द पेरेंट प्लांट, दिस टाइप ऑफ डिजिटल सीड इज नॉन एज। ये 42 नंबर क्या है सर? 42 नंबर 42 नंबर उसके बारे में है, तुम क्या खाते हो, ग्राउंड नट किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना क्या, अरे मूंगफली, सर, मूंगफली को बोलते हैं, तो इम्पोर्टेंट ये है। खरीफ खरीफ क्रॉप है ना? हाँ, कर रबी नहीं है, तो ये पहला गलत स्टेटमेंट है। गुजरात इज द इम्पोर्टेंट स्टेट ऑफ द, नहीं शायद गुजरात नहीं है, गुजरात ऐसे मोस्टली कपास के लिए है शायद, देख लेना कौन है इसके लिए। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, फिर आंसर देख मूंगफली लेना में, एक बार इसका। मूंगफली में मेरे ख्याल से गुजराती है सर। गुजरात है, देखो नहीं गुजरात, आप आगे अरे देखिए, ना मैं देख लेता हूँ, ना मैं देख ना लेता ना, हूँ, मैं देख लेता हूँ। गुजरात नहीं होगा, क्योंकि ये सूखी मिट्टी में उगता है, गुजरात में चिकनी मिट्टी पाई जाती है, बलुई मिट्टी पाई जाती है, ये चीज़ याद रखना। मुझे तो कम चांस लग रहा है, देख लो फिर भी, क्योंकि जहाँ तक तो मैं इसकी फसल के बारे में जानता हूँ, इसमें मिट्टी चाहिए अच्छी, और गुजरात और महाराष्ट्र वाला जो रीजन है उसमें ब्लैक सॉइल पाई जाती है, और ब्लैक सॉइल गुजरात में होता गुजरात में है, देश इम्पोर्टेंट में है। गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अच्छा, कल्टीवेशन बात किया है, कल्टीवेशन प्रोडक्शन एक अलग चीज़ है, कल्टीवेशन एक अलग है। कल्टीवेशन देखो, कल्टीवेशन ये एक एक वर्ड से है ना आंसर चेंज हो जाता है, प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कल्टीवेशन की बात हो रही है। गुजरात, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। मेरे दिमाग में भी राजस्थान आ रहा था, केदार वाले पोस्ट होता हुआ। राजस्थान है बट गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु दे रखे हैं, कर्नाटक। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन बनेगा ही। अब आगे देखो, विच वन ऑफ द वॉर्म फ्लॉविंग डिजीज इज अ कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक लिंकेड टू एपिसोड, ठीक है, ये थोड़ा है स्पेसिफिक क्वेश्चन, पर आंसर देख लेना, क्योंकि बहुत से तो कोई नई बीमारी चर्चा में हो, ठीक है। इधर देखो, वो अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन 3 वर्क्स एज द साइंस ऑफ म्यूजिक कॉल्ड संगीत राजा, संगीता मीमांसा, सुधा प्रबंध, ये इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट येट हैव एनी इफेक्टिव वैक्सीन, हाँ ये देख लेना एक बार। विच वन अमंग द फॉलोइंग लिविंग एंड नॉन न्यूक्लियेटेड एट मेच्योरिटी सेल्स, ज़्यादा वो स्पेसिफिक है थोड़ा। विच वन द अमंग फॉलोइंग टेम्पल कंसल्ट बाय द क्यून लोका महादेवी इन पड़कल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी उसको जोड़ा गया है इसीलिए पूछा है क्वेश्चन। आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ डिजीज ड्यू टू द न्यूमिकल, तो ये थोड़ा देख लेना आंसर पता होना चाहिए। द टू मिडिवल पीरियड केनाल ओरिएटिंग फ्रॉम द सुल्तज इन यमुना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर वाला भी यूपीएससी पूछता ही है, पिछली बार ही पूछा 2023 में। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, नलरिया ये इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के लिए।
देखो यहीं से पता लग रहा है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन फंसेंगे यहाँ से। वो अमंग द फॉलोइंग द राइटर ऑफ द कीर्तना घोषाल, ये याद रखना, ये पता होना चाहिए, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। ठीक है, जेम्स मिल, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए। ये फोटोकेमिकल, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेशेंट क्वेश्चन पूछा हुआ ऑलरेडी पहले से। ठीक है, फॉलोइंग ट्रेस एलिमेंट नॉट हाईली टॉक्सिक, इम्पॉर्टेंट है। ये फॉलोइंग प्रूफ इज, देखो याद करो पिछली बार पूछा था इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है। सी हॉर्स के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ, तो इनके तीन के बारे में, अरे इनका ऑप्शन का रिसर्च करना जाके जब काम का है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट लैप्स रेट इन रिलेशन टू एटमोस्फेरिक रीजन, ये पता होना चाहिए। ये तो बेसिक साइंस का क्वेश्चन है, बेसिक एनसीईआरटी का, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये बेसिक क्वेश्चन है। ये भी थोड़ा पता होना चाहिए किसमें क्या क्या पाया जाता है। फॉलोइंग ग्रुप द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ये थोड़ा स्पेसिफिक चला जाता है थोड़ा। इन्वेशन न्यूट्रिशन सीक्वेंस ऑर्डर इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये तो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल क्वेश्चन है। तो चिपको मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड अंडर द लीडरशिप सुंदर भागो अराउंड, ये हुआ था जो पेड़ों उत्तराखंड में हुआ था, और ये इसीलिए पूछा है क्योंकि ये सुंदरलाल जो भगोड़ा मर गया शायद इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा, तो इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। थोड़ा ये नहीं पूछेगा केपी चेटर वाला, हाँ हो सकता है देख लेना एक बार। ठीक है, ये कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी कोई नहीं ज़रूरत है, ये भी कोई जरूरत नहीं, पर ये इंपॉर्टेंट है। देखो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में स्पेसिफाई रेस टू बी ट्रीटेड अंडर द शेड्यूल कास्ट कैटेगरी फॉर ऑल पर्पज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पिछली बार भी इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। पार्लियामेंट लॉ कैन इंक्लूड ए कास्ट और ट्राइब इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, ये पता होना चाहिए शेड्यूल कास्ट कैसे बनता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अब देखो यूपीएससी का यही तरीका है, इसे यही बता रहा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, वही यूपीएससी वाला तरीका। तो अब की बार कन्फर्म है यूपीएससी 2024 में, वही जब 2023 में तरीका आया था वही आएगा, केवल एक केवल दो हटा देंगे, तो केवल एक के केवल दो क्या ही, वही तो बात है ना, ये हटाना कुछ ही नहीं, वही 2023 वाला पैटर्न आएगा, ये वही तो पैटर्न है भाई, कितने सही है उसमें भी तो यही होता है केवल जी। तो फिर इसमें क्या तुम समझ रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट इज द पर कंडीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं फिर बता रहा हूँ ये क्वेश्चन कर लेना। थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर एंड देयर लोकेशन करेक्टली मैच्ड, इंपॉर्टेंट है। दे आर लीगल टर्म्स मैक्सिमम विच वन ऑफ द मीन्स नो मैन पर्सन शैल बी कंडेम्ड एंड, पॉलिटी का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, याद रखना। सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया नॉट, नहीं है ये, इस टाइप क्वेश्चन पूछा हुआ 2014 में, देख लेना इस क्वेश्चन को जरूर। विद द फॉलोइंग स्टेट रिगार्डिंग अर्बन पॉपुलेशन इंडिया एज पर द सेंसस 2011, देख लेना। ये देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, यूपीएससी भी पूछ चुका है, रामसर साइट में फिर बता रहा हूँ, रट लो भाई, 80 हो चुके जितनी भी है, वो पता होनी चाहिए कहाँ पे। इन सीटू यूपीएससी ने पहले ऑलरेडी पूछा हुआ, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। विद द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज नॉट सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, ये पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव रिप्रेजेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द कोरल रीफ्स, इंपॉर्टेंट है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं। विच आर द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टाइपिकल सॉइल प्रोफाइल ऑफ द बॉटम, ये इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक एनसीईआरटी में दिया हुआ। फोल्ड माउंटेन फॉर्म्ड, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग इज द थिकनेस लेयर ऑफ द अर्थ, ये बिल्कुल बेसिक साइंस का क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, ये कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है। ये देखो लोकसभा का पॉलिटी का क्वेश्चन, आपकी बार इम्पोर्टेंट है लोकसभा, ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
मोशन इन पार्लियामेंट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन इम्पोर्टेंट है। अरे आपकी भाई यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ द सी बन रहा है, याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर में है। एंटी डिफेक्शन लॉ ये इम्पोर्टेंट है, ये देख लेना अच्छे से। ये राजीव गांधी के टाइम में हुआ था। मैथिली एडिट 1993 में एडिट किया गया था, ये देख लेना सब। गुड गवर्नेंस इंडेक्स इम्पोर्टेंट है। कौन निकालता है क्या है सब देख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में इम्पोर्टेंट है। रिगार्डिंग इकोटोन इन्वायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन, बायोग्राफिकल जोन्स ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन। विच ऑफ फॉलोइंग सोर्स ऑफ द न्यू रिन्यूएबल एनर्जी इम्पोर्टेंट है। केबलन लेमन जो पार्क यूपीएससी ने कितनी बार पूछा हुआ, वापस से चर्चा में याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम आज इनिशिएटेड, ये इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू आयुषन रेड लिस्ट वनेबल, देखो फिर ये आयुषन पूछ रहा है, याद रखना, 2023 में पूछा था। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप ऑफ वुमेन का थीम पता होनी चाहिए, बस एक बार देख लेना, आंसर देख लेना बस। मिल्क प्रोडक्शन पता होना चाहिए, ये भी हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए, भूटान के द्वारा दी गई थी, ये सब याद रखना। ये देख लो, स्पोर्ट को लेके बात कर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देख लेना इस क्वेश्चन को। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी, स्पोर्ट्स में क्या क्या देखना है, स्पोर्ट्स में क्या क्या देखना है, नहीं ये एक बार जो क्लियर बता दीजिए। नहीं उसे इतना ज़्यादा मत देखो, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी को देख लो, उतना ज़्यादा नहीं जाने का। रेयर डायरेक्टिंग ऑफ द अर्थ ये इम्पोर्टेंट है, ये नई टर्मोलॉजी है। कट ड्रॉप मोर क्रॉप से तो पहले से चले आ रहा है। ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पोर्टेंट है। ब्लू लाइन, अब देखो डायरेक्ट यूपीएससी ये देख लेना, ये वर्ड पूछेगा, मैं पक्का बता रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। ब्लू लाइन क्या है इन देश में, पार्लियामेंट लोकसभा समय के, ये देख लो, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी झारखंड में होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, इस 120 क्वेश्चन में से लगभग लगभग अपने लगभग लगभग 80 क्वेश्चन काम के हैं इसमें से, और 80 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आठ क्वेश्चन में डायरेक्ट मिलेंगे। अभी मैं देखो तुम लोगों को बताता हूँ, पिछली बार का पेपर देखते हैं इसका, जियो साइंटिस्ट का 2023 का, ठीक है। आंसर की इसका आ गया है, इसका तो आंसर खुद से खोजना है ना, हर चीज़ का तुम्हें आंसर की चाहिए, मतलब है ना, तो खुद से मेहनत कुछ ही नहीं करना है। पिछले साल का तो आ गया होगा 2023 का, ये देखो ये आ चुका है। अरे मैं फिर बता रहा हूँ, खुद से मेहनत करना सीख लो, जिंदगी में सफल होना तो यही तरीका है। आंसर की चाहिए, खुद से नेट पर सर्च करके नहीं देखा जा सकता, खुद जो पढ़े हो उस नॉलेज पे बिलीव नहीं कर सकते हैं। फिर मिलाऊंगा कैसे, हे भगवान। मैं ठीक है, वो अब मैं ढूंढ लूंगा, मैं ठीक ढूंढ लूंगा सर। तो अमित यहाँ होता ना तो मोट मेरे हाथों से बहुत ठुकाएगा। अब देखो इधर, ठीक है, अब देखो पिछले साल का था, देखो कौन कौन से क्वेश्चन है जो मिलने के चांसेस रहे थे, ध्यान से देखना। डेजर्ट आज नहीं लोकेटेड, ये नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं था यूपीएससी में। एकोलोटेशन डिटेज, ठीक है, बर्न ओवल ग्रेफ्ट छोड़ो, ये भी नहीं था। टैक्स प्लेस भी नहीं था। परसेप्शन फ्रंट परसेप्शन साइक्लोनिक परसेप्शन, ठीक है, ये भी नहीं था। स्टैंडिंग क्रॉप के लिए कौन सा क्या होता है छोड़ो। अच्छा इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये टाइप के अच्छे क्वेश्चन है, देखो ना अब ध्यान से देखो। ये 1905 का पूछा, परंतु यूपीएससी ने पूछा स्वदेशी आंदोलन से, वही सेम है थीम, मतलब समझो सेम उसी के अराउंडिंग है। आप ये पढ़ रहे हो इसका मतलब क्या पढ़ना था आपको, स्वदेशी मूवमेंट सब पढ़ना था, और यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा। अभी देखना एक क्वेश्चन मिला, अभी मैं आगे बताता हूँ। फंगी या बैक्टीरिया कर, ठीक है छोड़ो। नील दर्पण विच ऑफ द डील्स विद द कंडीशन ऑफ इंडिगो प्लांट्स रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है, उदय हिंदुस्तान 1917 चंपारण सत्याग्रह 1917 वाली। अच्छा चंद्रगुप्त मौर्य कनिष्क फॉलोइंग अरेंज ऑर्डर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो इवेंट्स इवेंट्स अलेक्जेंडर इंडो ग्रीक नॉर्थ ईस्ट, ठीक है कोई नहीं।
अजंता पेंटिंग डिस्प्ले स्टोरी पर जातका, अजंता पेंटिंग डिस्प्ले स्टोरी, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, ये आगे बढ़ो। देखो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में अच्छा क्वेश्चन है। अब आगे देखो यहाँ पे मिलेगा क्वेश्चन पंचायत सिस्टम के बारे में, द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, द थ्री टायर सिस्टम, पंचायत, विलेज, स्टेट, ये सब चीज़ें। आगे देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछा यूपीएससी ने, दो क्वेश्चन। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन मिल गए, तीन क्वेश्चन मिल गए। अब आगे देखते जाओ और यहीं पर काम कर लेते। देखो पूछा भी है सारी चीज़ें। अब आगे देखो वन स्टॉप सेंटर स्कीम, ठीक है, अभी देख लो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला भी क्वेश्चन मिलेगा, माइक्रो स्पेसिफिक मेंशन, थर्ड स्ट्रक्चर गेन ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट मेंशन। ठीक है, नंबर क्रोमोसोम फॉर ह्यूमन सोमेटिक सेल लग जाओ, सिस्टम रेंज यूज ऑफ एनर्जी नो नो छोड़ो। फॉलोइंग एनिमल्स लाइज एक्स ऑफ रिप्रोड्यूस, फॉलोइंग हैज न्यू न्यूक्लियोटिड सेल मटेरियल छोड़ो, मॉडिफाइड क्रॉप विद फॉरेजर, बीटी कॉटन के बारे में पूछा था, ये यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा था। फॉलोइंग वर्टिकल जोन्स ऑफ लाइट मेंटेनेंस, डुफ क्या होता है, विच ऑफ द ग्रेविटी ट्रांसफर सॉइल क्या है, और इकोलॉजी के एम्पिट्यूट क्या होता है, प्रोफिलियस ऑर्गेनिज्म क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट स्टेट रिलीज पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग आउटसाइड वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ बोथ ऑन एयर आउटसाइड एंड। ठीक है, लेगुन वेगुन के बारे में पूछा था इसने क्वेश्चन, ऑस्टिक फैमिली लैंग्वेज इस प्रकार, सेंट्रल वाटर कमीशन। देखो ये सेंट्रल वाटर कमीशन यूपीएससी 2022 में भी क्वेश्चन बना, इससे 2023 में भी क्वेश्चन बना, तो ये चौथा क्वेश्चन। ठीक है, बीटा डे के प्रोसेस न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पोजिशन विच ऑफ दे आर अनचार्ज पार्टिकल छोड़ो, ये क्या है, फॉलोइंग द फार्मिंग इन इंडिया, द लैंड फ्रॉम कंफर्ट रीजन इन एनुअल रेनफॉल लेस देन सोइल रीजन एज। ठीक है, इकोलॉजी रेडोप्टेशन इमेशन इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन छोड़ो, सेकेंड रिदम बायोटिक अप्रोच। ये क्वेश्चन पूछा था, तो ये कितना क्वेश्चन हो गया, तीन चार पांचवा क्वेश्चन, जाके देख लेना। मतलब ये मतलब इस पे काम कर लेते, टॉपिक को पढ़ लेते तो क्वेश्चन बना लेते हैं आप। ठीक है, आगे देखो विच फॉलो डिफाइन न्यूट्रन बायोलॉजिकल द शेयरिंग द कॉमन जेन पूल, जीन पूल के बारे में क्वेश्चन बना था, अशोकन इंसेक्शन विच ऑफ द नॉट ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। देखो आपकी बार भी इसी पेपर में नॉन रिन्यूएबल सोर्स वाला क्वेश्चन आया था, देखो 2020 का पेपर, मनी डिब्बा इज द फॉलोइंग प्लेस, नागा स्टाइल अब क्या बन सकता है ये क्वेश्चन, थर्ड पानीपत, नादिशा, रानन हेस्टिंग, ट्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, हड़प्पा सेंटर प्लेज मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट, ये छोड़ो ये कुछ नहीं है, हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर इज इंपॉर्टेंट, हैवी वाटर का यूजेस क्या है, फेचिंग टेस्ट क्या है, ये रहा डायरेक्ट जो मैंने बोला था, डायरेक्ट स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट उठा के, तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, छठा क्वेश्चन। अभी आगे देखो बात है भाई, 8-10 क्वेश्चन देखो, ये जन शिक्षण संस्थान, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, रुक जाओ, नीति आयोग, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट रिपीट होता सेम, ये डायरेक्ट एक एक स्टेटमेंट एकदम एक स्टेटमेंट 18 या 19 में 19 में या 18 में हुआ है, अरे 2023 का क्वेश्चन है, 2018-19 में भी लगता हाँ, है आया था वो, पर ये तो 2000 जो स्टेटमेंट पूछा गया वो सेम है, अभी मैं दिखाऊंगा, अभी रुक जाओ। ठीक है, एथलेटिक फीचर ऑफ द फॉलो इज फॉल्स फ्रूट क्या है, फॉल्स फ्रूट रिव्यूशन साउंड इंश्योर्स, नेचुरल गैस कहाँ मिलती है, लिटिल अंडमान विच ऑफ द फॉलोइंग, रिवर वैली कुल्लू वैली, कांगड़ा और नर्मदा फ्लोस इन द रिफ्ट वैली, नर्मदा के बारे में पूछा था क्वेश्चन। मतलब टॉपिक को अगर जाके अच्छे से पढ़ ले तो बन जाता क्वेश्चन, कुमाऊँ हिमालय लोकेशन छोड़ो, इंटरनेशनल कन्वेंशन अग्रीमेंट स्पेशल कॉमन डिफिकल्ट कंट्री जो मिल मोंटे प्रोटोकॉल बर्टिन, पीर पंजाल रेंज फॉलोइंग द ड्रूप
आगे देखो, अजोल ला क्या है, नॉट इन, छोड़ो ये तो साइंस का क्वेश्चन है। फेनोलॉजी स्विफ्ट टेक्निक के बारे में क्वेश्चन बना था, अभी देखो मैं बताऊंगा, ये भी 2023 में आया था। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, विच नॉट इज प्रीएम्बल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 42nd अमेंडमेंट, नीति आयोग SDG, अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा, ठीक है। इस बार इंडिया एंड हेल्ड द फर्स्ट इलेक्शन बेस्ड यूनिवर्सल रेफरेंसेस, आगे देखना। गेस छोटा साइंस का क्वेश्चन है ये। लैंड लॉक कंट्री कौन कौन है, कृष्णा रिवर के ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछा, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून के बारे में पूछा, और लार्जेस्ट इंडियन रेवन वाइज कौन सा है, क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेंस इंडिया, सोइल वेस्टेज मैनेजमेंट रोल, ठीक है। अब आगे देखना, फ्यूडल ओवन CEO आंसर, तेलुगु शासन और नेम सर न्यूक्लियर, यूक्रेन। अब देखो ये वाले देखो, यूक्रेन उनका जो पूछा था, पीका वार्ड पूछा था, कल्टीवेशन है मिलेट इन वो तो प्रेजेंट कवच, इको लेबल गिवन द कैबिनेट इज वर्ल्ड लोकेटेड, लंपी स्किन डिजीज जो गायों में हो रही थी। अगले चाइनीज विजन ऑफ फॉलोइंग द ओनली नॉन एनिमल एक्सपेक्ट द ह्यूमंस कैपेबल ट्रीटिंग डिफरेंट बिटवीन द, अब देखो ये रहा बटरफ्लाई एन बी, और यही क्वेश्चन पूछा था UPSC ने, याद करो किसके बारे में क्वेश्चन आया था, वो बटरफ्लाई के बारे में, रेबल डांस था अपन मधुमक्खी उसका आंसर था ना, ठीक है। आगे वो जो मधुमक्खियां झुंड में रहती है या अकेले रहती है, ठीक है। डिसन लॉजिक एक्सटेंड लिस्ट मेथेन गैस के बारे में, ठीक है। नोबेल प्राइज, अब देखो 2023 का पेपर देखना, बात है ना कि देखो ये पेपर है, अभी CDS NDA का और होगा, तो कम से कम 3-4 पेपर है जो तुम्हें हिंट दे देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। ध्यान से देखना, बात है 7-8 क्वेश्चन भी बहुत हेल्प करते हैं। चल जा भाई, देखो ठीक है, इधर देखो एक क्वेश्चन देखना ध्यान से ना, अभी CDS NDA पेपर में बताऊंगा, ठीक है। चल क्यों नहीं रहा, ठीक है। देखो झेलम नदी, कृष्णा नदी, गंडक नदी, ये याद रखना, झेलम नदी, कृष्णा नदी, गंडक नदी, उल्लोर झील, कोलोरी झील और एक कावर झील, ठीक है। ध्यान से समझना, ये लैंड चीन और इंडिया के लैंड के कंपेरिजन किया गया है, ठीक है। ये पोर्ट्स के बारे में था, ठीक है। ये कच्छ भूमि जो है भीतरकनिका, ये सब याद रखना, ठीक है। ये कटिबंध एलुमिनाई रूटल किससे प्रसिद्ध है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। कटहल, महुआ, सागौन, ठीक है। अब देखो पर्णपाती वृक्ष, मैं फिर बता रहा हूँ आपकी बार, देखो वो उसका जियो साइंटिस्ट के पेपर में आपकी बार ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, कहाँ पे ये बैटरी वैटरी का ये है, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना है ना, अभी रिपीट होगा CDS NDA में। कांगो बेसिन को याद रखना, ठीक है। अब देखो मैं ये बता रहा था अमरकंटक कहाँ, अमरकंटक से निकलती नर्मदा नदी, और वो पूछा था एक क्वेश्चन यहाँ से मिला, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी, सेसाचलम पहाड़ी, पश्चिम घाटी, ये सब याद रखना, ठीक है। यूरेनियम निस्पेस, ठीक है, ये क्वेश्चन की थीम याद रखो, कॉरिडोर हो गया, ये उसका हो गया कंगारू का क्वेश्चन हो गया, ये IUCN का क्वेश्चन हो गया, मशरूम मशरूम का क्वेश्चन हो गया, गिलहरी का क्वेश्चन हो गया, मल्टेट, कॉपर, मालोबा, सीवेट, सांबर, हिरण, ठीक है। ये देखो ये रहा, ये आगे ड्रैगन फ्लाई में बता रहा था ना, देखो दूसरा क्वेश्चन जो मिल गया अपने को, आगे देखो कोतना वाटर के क्वालिटी के बारे में है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो गतिविधि है उसके बारे में, ये ब्लॉथ बियर, ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। हाइड्रोक्लोरोफोरोकार्बन, ये चीज़ याद रखना, केंद्रीय बैंक इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि जियो साइंटिस्ट के पेपर में इकोनॉमी नहीं आता है, ठीक है। कार्बन
मार्केट के बारे में, लघु कृषक बड़े खेती संकल्पना, ये बस थीम याद रखना, स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया, ये कैपिटल मार्केट को ध्यान में रखना, अरे तिल के बारे में याद रखना, ठीक है, अमृत निवेश क्या होता है, ठीक है, विधि की सम्यक प्रक्रिया, जेलों के संबंधित, 15 फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का है, और ये देखो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में, ये कौन सा संवैधानिक है, आपकी बात देखो, ये जियो साइंटिस्ट में फिर से क्वेश्चन बना है, फाइनेंस बिल और मनी बिल के बारे में, सब कम्युनिटी रिजर्व के बारे में, राष्ट्रपति चुनाव, तो ये क्वेश्चन मिला था देखो डायरेक्ट, मतलब थीम बेस वो सेम क्वेश्चन था, ये शेड्यूल एरिया वाला क्वेश्चन याद रखना, बौद्ध केंद्र के बाद में रखना, स्तूप पे याद रखना, 335 एडमिनिस्ट्रेशन डिफेक्ट का, ये फोर्ट रोड के बारे में याद रखना, ठीक है, वर्टिकल कौन राज्य संस्थापकों का कौन सा टाइम पीरियड रहा था, जैनिज्म बौद्धिज्म का क्वेश्चन, ये देखो ये विजयनगर साम्राज्य इंपॉर्टेंट हर साल पूछ रहा है, अहमद शाह, ये इनका याद रखना, ये देखो नीति वाक्य में ना, ये क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी ने पूछा हुआ, अरे भरतरी के द्वारा लिखा गया है नीति वाक्य तम, ठीक है, ये एक्ट एक्ट के बारे में क्वेश्चन है, ये देखो जननी सुरक्षा योजना, ये क्वेश्चन मैं बता रहा था, और ये डायरेक्ट उद्देश्य वहाँ पे दिया था, अभी जियो साइंटिस्ट का पेपर देखा था वहाँ पे, ठीक है, कार्बन वार्बन के बारे में है, कास्ट एकर, ये तरुण एक्सलोमीटर के बारे में है, एनीमिया मुक्त के बारे में है, ठीक है, बायोफिल्टर, नेविगेशन प्रणाली, बैलिस्टिक मिसाइल विसाइल, ये क्वेश्चन मिलेगा CDS NDS में, निहारिका फल्सर, ये चीज़ याद रखना, पारा प्रदूषण, ठीक है, यूक्रेन की सीमा के साथ साझा करती है, ग्रीन हाइड्रोजन, और ये देखो मैं बता रहा था, ये क्वेश्चन में मिला था, मैंने बोला था कि वो टॉपिक पढ़ लेते तो उसमें सब दिया था ये, ठीक है, ये देखो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन तरंग, ये मिलेगा, ये CDS NDA में मिलेगा ये क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन जल की विशिष्ट ऊष्मा का याद रखना, बोलवेच्छ पद्धति याद रखना, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन है ना यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ, MSME का याद रखना, केंद्रीय बैंक, डिजिटल मुद्रा, एरियल मेटाजोनोमिक्स और माइक्रो सेटेलाइट DNA और बीटा बीटा के संदर्भ में, ये क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, देखो जल विकास रिपोर्ट, ठीक है, ठीक, आगे देखो ये यूपीएससी 2018 में पूछा हुआ, ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचन के बारे में तो मिला ही था अपने को क्वेश्चन होता, ये देखो ये क्वेश्चन मिला ही था अपने को, राष्ट्र ध्वज के बारे में क्वेश्चन पूछा है इधर, संविधान सभा, यूरोपीय संघ के बारे में, वस्तु के निर्यात के, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना PLI योजना, भाई कितने चर्चा में थी ये, क्यों नहीं बनेगा क्वेश्चन, और मैंने तो बोला भी था इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पर मैं इन क्वेश्चनों को टेक्निक बताऊंगा कैसे सोल्व करना है, टेंशन नहीं लेना, होम गार्ड याद रखना, GCM, ये देखो ये शास्त्रीय गुप्ता अधिनियम, ये आयु संशोधन याद रखना, ये देखो ये क्षेत्र याद रखना, और ये मेजर ध्यान से देखो, खेल पुस्तक रिलेटेड ओलंपियाड पूछा था, इसराइल अरब लीग के बीच में पूछा था, ठीक है, G20 मिशन था, ये देखो अब ध्यान से समझना, इस सारे थीम याद रखना, लगभग लगभग देखो ये मान के चलो कि जियो साइंटिस्ट से अपने को 8 से लेकर 10 क्वेश्चनों के बीच में थीम मिल गई थी, ठीक है, अब मैं तुम लोगों CDS NDA जो से पहले पेपर हुए थे CAPM और उससे पहले EPFO तो बहुत पहले हुआ था, अपने को देखना कि 2022 के प्रीलिम्स के बारे में जितने पेपर हुए हैं UPSC में, ठीक है, ध्यान से देखना, इसलिए बता रहा हूँ कि वो जो पेपर उनमें से ट्राई करो कि ज़्यादा पुराने भी देखने की ज़रूरत नहीं है,
देखना चाहो तो देख सकते हो, परंतु जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो उससे पहले ही पता लग जाता है अपने को। देखना प्रीलिम 2022 के बाद पेपर, ठीक है? अब देखिए जियो साइंटिस्ट हुआ है तो अभी अपन ने देख लिया था। हाँ अब देखो 2024 के पीटी के लिए मैं बता रहा हूँ, ये पेपर वो देख लो एक बार, मैं बता रहा हूँ जनरल स्टडीज़। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, परंतु तो कुछ क्वेश्चन है जो जहाँ से देखो ध्यान से देखना थीम मिलेगी क्वेश्चनों की, यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन छटते हैं। तो ये दो अभी जो जो पेपर हुए ना करंट अफेयर, इसी के अकॉर्डिंग पढ़ो, ज़्यादा इन्हीं पे ध्यान दो, ठीक है? तो मैं इसमें बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन देखने हैं तुम लोगों को। ये कोई मतलब नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है, ये भी कोई मतलब नहीं है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे क्योंकि ये प्योरली साइंस सब्जेक्ट है। और हाँ कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो पिछली बार भी आए थे इससे, ठीक है? ये कोई मतलब नहीं है, आगे देखो, इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं देखना, आगे देखो, ये भी कोई क्वेश्चन नहीं देखना, आएगा क्वेश्चन ध्यान से देखना, मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक छोड़ो, ये कुछ मतलब नहीं है। इफ इफ सिक्स पीपल ग्रेट ईच अदर एट मीटिंग बाय द शेकिंग हैंड्स विदाउट अनदर, हाउ मेनी हैंड शेक विल टेक प्लेस। रीजनिंग का क्वेश्चन है, कर लेना, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ रीजनिंग में। इसको क्या बोलते हैं सर, हैंड शेकिंग वाले चैप्टर को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे इसको, अब इतना तो मुझे पता नहीं है, परंतु है रीजनिंग का टॉपिक है। रीजनिंग के मैथ के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी बन जाएगा ये क्वेश्चन, कर लेना रीजनिंग का क्वेश्चन, ठीक है? पिछली बार इस पेपर से डायरेक्ट सीसेट का पेपर रिपीट हुआ था, ठीक है? एन आई जी पी के नंबर सी डबल द नंबर स्वीकार, हाँ ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है? ये क्वेश्चन बना लेना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक नंबर। ये जो गेम खेलते हैं ना अपन, पजल खेलते हैं, पजल वाला क्वेश्चन है। कोई भी एक नंबर लो, उसको डबल करो, फिर स्क्वायर करो, फिर डिवाइड करो स्क्वायर को 3 से, सबसेट करो 30 से, फिर क्वेश्चन जो आया उसको गेट 18, व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ दैट हैज पिक्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्या है, ट्रेड टू टेक्नोलॉजी स्टॉक इज ट्रेडर स्टॉक द टोनी स्टॉक इज टेकन न्यू स्टॉक सिबलिंग स्टॉक, नहीं छोड़ो, नॉट बाय, ये पता नहीं किस टाइप के क्वेश्चन है। इनएक्टिव डायरेक्टर पैसेंजर, हाउ मेनी पैसेंजर लाइक एग्जैक्टली टू, और हाँ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ से रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन आते हैं। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये करना, ये तुम्हारा वो वाला टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूँ। सेलेक्टेड टू डिजिट नंबर बिटवीन 50 से लेकर 100 के बीच में एक नंबर लेना है आपको, एडिट कोई भी एक नंबर लो उसमें 83 जोड़ो योर नंबर फ्रॉम द दिस नंबर फॉर न्यू नंबर बाय एडिंग द डिजिट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मतलब थोड़ा हाई लेवल का है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, इसके जो रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन है वो थोड़ा ठीक, मतलब बहुत अच्छे लेवल के हैं। ये छोड़ देने का मतलब नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब टफ, कितना टफ बना सकता है यूपीएससी उस पेपर से आपको आइडिया लग सकता है, क्वेश्चन देख लेना, ये भी अच्छा है। डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कर लेना, अच्छा है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछो भी है। टीवी कम्युनिकेशन के लिए कौन सा यूज होता है, आईपी एड्रेस,
नहीं कुछ ज़्यादा है, पर आप फिर भी एक आईपी एड्रेस के बारे में आइडिया होना चाहिए। आईपी एड्रेस क्या होता है, तुम्हारा जो फ़ोन सिस्टम है सब इसी पे काम करता है। ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं जाना। आईटी पॉलिसी, देख लेना एक बार। ये कुछ ज़्यादा ही वो है, थोड़ा टेक्निकल है। यूपीएससी ने एक दो बार क्वेश्चन पूछे हैं। कुछ ज़्यादा ही चला गया अंदर, ये बहुत ज़्यादा वो है। बहुत ज़्यादा वो है, स्पेसिफिक है। अब देखो ना, ये जैसे मान लो कि अपने जो अभी देखो ये इम्पोर्टेंट है एथेनॉल का, तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। ये तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आपने यूपीएससी क्वेश्चन देखे, और यूपीएससी क्वेश्चन किस लेवल तक पूछता है उस लेवल को देखना और उसको आइडेंटिफाई करना। एथेनॉल के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्वेश्चन बन सकता है। एथेनॉल का सर करंट में भी तो है ना, हाँ इसीलिए तो मिक्स करके जो 20% कर दिया नहीं, है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ कहाँ से मिलता है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ अभी ऑलरेडी। तो वही बता रहा हूँ ना, अभी तो मैं फास्ट देख रहा हूँ तो इतना मैं भी नहीं बता पा रहा हूँ। पर आप अगर आपने 2011 से लेकर 2023 का पेपर का आइडिया, तो आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाट सकते हो, और जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलेंगे मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। अब देखो ये इम्पोर्टेंट है, ये चार्ट लेना, ग्लोबल पीस इंडेक्स। ये देख लेना, हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट। कुछ कुछ करंट अफेयर के मिलेंगे यहाँ से। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है इकोनॉमी का, ये देख लेना। हेमिस फेस्टिवल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना करंट अफेयर के लिए। क्वेश्चन देखने लायक है। ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन है, सारे देख लेना, नहीं तो करंट अफेयर के हैं। स्प्रिंट चैलेंज, ये इम्पोर्टेंट आपके, और याद रख लेना, ये चर्चा में भी है। ये
ये भी चीज़ याद रखता। करंट अफेयर का थीम मिलेगी यहाँ से, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। यहाँ से एक आध दो क्वेश्चन आपको रीजनिंग मैथ के मिल जाएंगे, और थोड़ा करंट अफेयर के थीम मिल जाएगी, वो थोड़ा देख लेना बस, ठीक है। अभी तक जो 2024 के पेपर हुए हैं, देखो ये कंबाइंड ये था एनडीए, ये था एनडीए या सीडीएस? नहीं, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का था। अभी देखो 2024 के लिए जो पेपर इंपॉर्टेंट है, एक जियो साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, कंबाइंड एसओ ग्रेड। अब इसमें मैं जो मैं बता रहा हूँ ना, इसमें जो ये जो पेपर है ना, इसमें पेपर ये वाला मैं अभी दिखा देता हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटी के क्वेश्चन मिलते हैं जो आपने पॉलिटी में कभी नहीं सोल्व किया होगा। देखो अभी मैं दिखाता हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं पॉलिटी के, मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आप देखते हो ना कभी कभी यूपीएससी, बहुत नए नए क्वेश्चन बनाते हैं इन पेपरों में, देखना। ये देखो बहुत शानदार क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ से, अगर पॉलिटी क्वेश्चन सोल्व करने हो तो जाके यहाँ सोल्व कर लेना। पनिशमेंट है ना, थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक है, उन क्वेश्चनों से बचना, पर तो जो अपने जो पार्ट में है, अपने जो सिलेबस जो अपन देखते, देखो यूपीएससी आर्टिकल 21, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं डायरेक्ट। ये आप देखो, मैं जैसे कुछ चीज़ क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, कौन कौन से क्वेश्चन देखने, कौन कौन से नहीं देखने, ज़्यादा स्पेसिफिक मत चले जाना, परंतु जो अपने को पता है कि यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। अब मैं इसीलिए बता रहा हूँ, इसीलिए तो पता होना चाहिए, यूपीएससी का सिलेबस और यूपीएससी का पेपर ये हेल्प करता है। चल ये फिर, एलडीसी क्या होता है सर? अरे है ये जो लोकसभा में राज्यसभा में बैठते हैं उनके लिए होता है ये पेपर। अभी मैं बताऊँगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। चल जा भाई, चल क्यों नहीं रहा, देखो ध्यान से देखना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न किस अनुच्छेद में लिखित है सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिक के लिए खुले, ये तो अब पढ़ते अपन करना चाहिए क्वेश्चन। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में लिखित राजनीतिक देश तत्व किस न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ। पूर्वोत्तर देश राज्य शासकों को पीवीएस में मामला कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में हटाएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये बहुत पॉलिटी, अरे सारा पेपर पॉलिटी का ही होता है, पॉलिटी का अगर आपको पढ़ के, लक्ष्मीकांत जी पढ़ के प्रैक्टिस करनी है तो सबसे बेस्ट सोर्स है ये। मूल संरचना में क्या क्या दिया हुआ है, देखो न्यायिक पुनर्वलोकन दिया हुए हैं, इसको काटो, संविधान की ये सर्वोच्चता हर साल है, कंडक्ट कराती। यह हर साल होता है। पॉलिटी के क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करने तो यहाँ से करो, दैट्स द वेरी बेस्ट मेथड, मैं फिर बता रहा हूँ। अरे तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, 50 की चाहिए सिग्नेचर, इसकी सदन के अंत के सदन के रिक्त स्थान घोषित कर सकता है, बस ये मत देखना, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मैं फिर बार बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ से, सारे पॉलिटी के, ये ज़्यादा चले, ये बहुत ज़्यादा है, ये रहने देना, ठीक है। ये सूचना का अधिकार बहुत ज़्यादा, वो इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, सूचना का अधिकार ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक पूछता है, नो इतने की जरूरत नहीं, सूचना का अधिकार की बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछे तो वो इम्पोर्टेंट है, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जो पॉलिट बेसिक, इसलिए बता रहा हूँ बस आपको पीवाई को माइंड में रखो, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो ये इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा, मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी पीटी 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब ऐसे अच्छा, अब देखो ये चीज़ें तुम लोगों को खुद से करनी करनी पड़ेगी, अरे कब करोगे जब तुम लोगों को पेपर का आइडिया रहेगा, ये सब अब क्या इम्पोर्टेंट है 2024 के लिए, मैं फिर बता रहा हूँ, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। अभी है ना, इसका एक पेपर देखेंगे जो 2023 की पीटी से पहले हुआ था, ये नमस्ते, ये चीज़ याद रखना, बहुत मैं बता रहा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से, ये इम्पोर्टेंट है। ये देखो यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा भी है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात क्या होगी, आर्टिकल 51, भारत की राष्ट्रपति समाधि, लोक लेखा समिति, पॉलिटी के सारे तुम्हारे सारे चैप्टर वो रिवाइज करा देगा, ये सारे चैप्टर जो भी एकदम अच्छे से, अरे यूपीएससी के सबसे बड़ी बात है आपको यूपीएससी लैंग्वेज में सोल्व करने को मिलेगा यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन पॉलिटी के, सबसे बड़ी बात ये है, टॉबिन का ये इम्पोर्टेंट इकोनॉमी के लिए, टॉबिन टैक्स बोलते हैं इसको, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, प्रत्यक्ष कर सहित इम्पोर्टेंट है, प्रीपेड भुगतान, ये इम्पोर्टेंट है,
ये तो पता होना चाहिए। एग्जिम तो निर्यात विर्यात देखती है, नाबार्ड बैंकों को देखती है, सिडबी आईडीबीआई देखती है इसको। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के बीच अंतर, ऑर्डिनरी टैब, ये पशुधन चावल, सकल घरेलू, एनपीएस। अब मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत अच्छा पेपर है, और इस पेपर के बारे में आज तक किसी को आइडिया भी नहीं है, क्योंकि ना लोग इसको देख के ऐसे छोड़ देते हैं। पर मैं अभी इसमें से अभी देखना भी 2004 वो भी बताऊंगा तुम लोगों को। सीरियन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियन कब की बात तो उसमें किया गया था, ये सारे ये आपकी बार इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये मंगल ऑर्बिटर मिशन, ये सब ये 2024 के लिए साथी होने चाहिए किसी संबंधित, कार्यपालिका न्यायपालिका क्या वो है, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। सर किसका है ये पेपर? ये मतलब जो लोकसभा और यहाँ पे जो बैठते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट करने वाले, वो काम वाम करने वाले, उनके लिए होता है ये पेपर। किसी को आइडिया भी नहीं है इसका भर्ती कैसे होती क्या होती है। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं फिर बताऊँ ना, यूपीएससी में डायरेक्ट पूछेगा आपकी बार, देख लेना इन्हीं क्वेश्चनों में से। ये देखो इतने क्वेश्चन तो मैं ना पूरा 2011 2000 उधर भी नहीं मिलेंगे, इतने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पे। ये देखो जीरो कूपन बॉन्ड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। सर कौन सा ईयर वाला? ये तो अभी 2023 का बता रहा हूँ, और अभी देखना जो आपकी बात 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारे एक भी क्वेश्चन इसे खराब नहीं है, एक भी बहुत कम क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। सर स्कोर में ग्रुप में डाल देंगे। मैं पहले ऑलरेडी भेज चुका हूँ तुम लोगों को, सब जाके खोजोगे तब मिलेगा ना तुम लोग। मैंने उस दिन क्या पूरी रात जग के क्या किया था, ये थोड़ा मत, मैंने भेजा था उसी दिन वो सारे पेपर भेजा था। अरे ये वेबसाइट पे जाके देख लो ना, ज़्यादा क्या ही है। अभी देखना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कितना, बस ये ज़्यादा स्पेसिफिक, ये आईटीआई का ज़्यादा स्पेसिफिक मत चले जाना, बस ये बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा मत जाना। पर और सारे क्वेश्चन इसके काम के हैं, ये आईटीआई वाला एक छोड़ देना बस, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, डन सो डन। अब क्या मैं फिर बता रहा हूँ, 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है ये स्मारक, कितने ओपन नेटवर्क, इन्वायरमेंट आउटलुक। सबसे बड़ी बात, अच्छे अच्छे इकोनॉमी के क्वेश्चन भी इसमें अच्छे खासे हैं। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सागर समृद्धि, दिल्ली हाई कोर्ट है, इसके बीच में किसको लेके वो रहता है झगड़ा, जुल लद्दैख, बाद में नागर विमान किसके अंतर्गत आता है, जल संरक्षण मिशन, लीन स्कीम क्या है, किसके तहत रहता है। अब देखो ये तो 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। अब मैं जो ये पेपर जो हुआ था, अब मैं वो पेपर बताता हूँ, जब ये यूपीएससी पीटी 2023 से पहले, जब ये याद रखना, ये पेपर कंबाइंड एसओ ग्रेड बी एलडीसी पेपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें भी जाओगे ना, इनमें कुछ क्वेश्चन है, पर नहीं ये पेपर वन ही देख लेना, ये ज़्यादा अच्छा है। इसमें भी है पॉलिटी के कुछ कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, अभी देखो मैं इसमें बताता हूँ, इसमें भी है, पर इसमें थोड़ा छाटना पड़ेगा, वो ज़्यादा स्पेस में चले जाते हैं, इसलिए वो एक ही पेपर देखो, इतना ज़्यादा भी नहीं देखने की जरूरत है। मैंने देखे थे सारे पेपर, है अच्छे क्वेश्चन भी है, परंतु ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चले जाते हैं, इसलिए ज़रूरत नहीं है इतना। अभी देखने इसमें आएंगे क्वेश्चन तो आएंगे इसमें भी, पर नहीं बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, इतना स्पेसिफिक नहीं जाना अपने को, तो वो ही नहीं, वो जो जी इसका GS1 है वही करना है, ये बहुत ज़्यादा वो चले जाते हैं, तो ये रहने देना, ये मैं देखा था, कोई ज़रूरत नहीं है इन पेपरों को देखने की। अब रुक जाओ, मैं जो बता रहा हूँ, अब देखो ये 2023 में हुआ था, और ये यूपीएससी पीटी के बाद हुआ है, मतलब मेंस के पेपर के बाद भी, तो ये पक्का अक्टूबर नवंबर में हुआ है ये पेपर, ठीक है। अब अपन देखेंगे इसका 2022 वाला पेपर है ना, देखो ये मेंस के यूपीएससी का पेपर हो, ये रहा इसका, देखो पेपर है 2019 से लेकर 2022 के पेपर है ना, तो इसका अपन 2022 वाला पेपर देखते हैं, ये रहा पेपर वन, इससे अपने यूपीएससी के क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, वो फिर बता बात आ गई, देखो ना चलो ठीक है क्वेश्चन आए ना आए, पर मैं फिर बता रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है आपके पास है, ये कोई कोचिंग वाले ऐसे क्वेश्चन नहीं बना सकते। व्यू रीड ओनली, ये क्या हो गया,
चलो ठीक है, जो मुझे देखो अभी सूचना का अधिकार है ये इतना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है इसको रहने देना, सूचना का अधिकार इतना वी रीड ओनली, ओके ठीक है। अब देखो सूचना का अधिकार, ये सूचना का अधिकार वाला है, छोड़ो इसको ज़्यादा नहीं देखना सूचना का अधिकार को ज़्यादा, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार पूछा है इसमें क्वेश्चन, तो आगे आएगा ऐसा नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन आया था 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये पेपर देखना पता नहीं कब हुआ है, पर 2021-22 में क्वेश्चन आया था आर्टिकल 13 से, और वही ये क्वेश्चन किसका है सर? उसी का ही तो है, अपन उसी का तो देख रहे हैं। और ये GS1 और GS2 जो कराती है, GS2 में भी वो भी ऑप्शन MCQ टाइप है क्या? हाँ पर उसमें इतना मत जाना, मैं देखा हूँ ज़्यादा वो स्पेसिफिक। देखो अब ये कितना अच्छा क्वेश्चन, नवी अनुसूची में क्या इंटरेस्ट है, UPSC ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है ये देखो ग्राम पंचायत संगठन आर्टिकल 40, ठीक है अब ये सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आर्टिकल 19, अब संविधान का देखो ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का क्या है, राष्ट्रपति के बारे में पूछा क्वेश्चन, समान न्याय 1900 लिखित संहिता, ठीक है अब आगे देखो ये तो आर्टिकल 39 का है, भूमि सुधार यही क्वेश्चन UPSC 2023 में बना एक क्वेश्चन, अब राष्ट्रीय निर्वाचन से संबंधित है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है संविधान किस अधिकार द्वारा संशोधित किया गया, ये अच्छा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री पद शपथ किसके अनुसार लेते हैं, मानवाधिकार आयोग गठन, समाजवादी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। अब देखो राज्यसभा का आवंटन किस अनुसूची के तहत किया जाता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बस ये वो RTI वाला छोड़ देना क्वेश्चन बस, संवैधानिक निकाय की अवधारणा कब आई, महान्यायवादी की नियुक्ति कब होती है, समान कार्य के लिए समान वेतन, राष्ट्रीय महिला आयोग कब स्थापित किया गया, द्वारा परिष्ट कुछ संविधान संशोधन प्रक्रिया निर्दिष्ट किस में हम भारत के लोग क्या संस्थापित करता है, कितने अच्छे से क्वेश्चन है ये, संघीय प्रणाली भारतीय राष्ट्रपति संसद का अंग है नहीं, UPSC ने कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये अवैध गिरफ्तारी का मतलब क्या, ये UPSC ने 2022 में क्वेश्चन पूछा, राष्ट्रपति निर्वाचन देख लो 2023 का क्वेश्चन मिल गया, अभी देखो अभी और मिलेंगे, इसे मूल अधिकार दावा नहीं किया जा सकता, संघराज्य क्षेत्र के विषय कानून नहीं बना सकती, प्रसाद का सिद्धांत क्या है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 2021 का क्वेश्चन देखो डायरेक्ट, परमादेश रिट के बारे में आया 2022 में, ठीक है गारंटी नहीं दी जा सकती, एकल संक्रमण मत किसके, राष्ट्रपति की संयुक्त तो बैठक आहूत की जा सकती है, कितने अच्छे क्वेश्चन है, को वारंटो वाला, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वदेश दर्शन, बम्बो स्ट्रक्चर किसान बात, नाइल अपने स्वयं के निर्णय पुनर्वलोकन की शक्ति है, लोकसभा की सदस्य त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है, UPSC ने क्वेश्चन पूछा 2022 में, बहुत अच्छे क्वेश्चन है मैं फिर बता रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेंगे ये क्वेश्चन, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, देखो बाल नियोजन प्रतिषेध किस में दिया गया है, पोषण का स्तर बढ़ाने के, लोक लेखा समिति के बारे में UPSC ने फिर क्वेश्चन पूछा भी, यह अभ्यारण्य कर्नाटक का नदी तट पर स्थित है, ये देखो कुचिपुड़ी मोहनी अट्टम सत्या किस में ये दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है ये, व्यवस्था संसदीय कार्रवाई, USA के ऑगडेको संघ लेखाओं का राष्ट्रीय निवेश विनिर्माण क्षेत्र खुला, ये देखो 2023 का क्वेश्चन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, यही तो आंसर था उसका 2023 वाले का, अध्यादेश प्रख्यापित करता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है, SCO SpaceX क्वाड उत्तरी समुद्री मार्ग, कुमाऊं, कुमाऊं के बारे में UPSC ने क्वेश्चन पूछा था 2023 में, MSF के बारे में UPSC ने क्वेश्चन पूछा, स्वेज नहरी कितना अच्छा क्वेश्चन है, अभी रुक जाओ देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा नंबर देखो, मेरा कहने मतलब कि ये कर लेना ठीक है, और आपकी बार इम्पोर्टेंट है तो ये पेपर देखो, इसका ओनली पेपर 1 ही करना, मैं फिर बता रहा हूँ इन चक्रों मत पढ़ना, मैं देख चुका हूँ ज़्यादा अपना ज्ञान मत लगाने बैठना, ये कर लेना। अब देखिए 2019 से 2020 वाला पेपर है, अब ये पेपर डायरेक्ट UPSC क्वेश्चन बने हैं यहाँ से, अब देखो CISF, अब देखो UPSC के पेपर के बाद हुआ है ये CISF वाला एग्जाम,
तो अब की बार के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अरे ये ईपीएफओ का पेपर भी हुआ था, वो भी इम्पोर्टेंट है 2024 के लिए। तो पांच पेपर इम्पोर्टेंट हो गए, सीएसएफ को वाला हो गया, ये जियो ये वाला हो गया कम्बाइंड एसओ ग्रेड वाला हो गया, इंजीनियरिंग वाला हो गया कम्बाइंड जियो साइंटिस्ट, और सीडीए एनडीए वाला भी होगा अभी। आप देखो ये सिलसिले मेंस एग्जाम है, इससे पहले अभी रुक जाओ, पीटी से पहले और पेपर मिलेगा। जो भी पीटी के बाद में जितने भी पेपर हुए हैं, ठीक है, देखो एनडीए वाला पेपर हुआ तो इससे पता लग जाएगा। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज ये इम्पोर्टेंट है, सेंट्रल आर्म फोर्स इम्पोर्टेंट है, यहाँ से तुम्हें देखना पड़ेगा। ये देखो कंबाइंड मेडिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज आ गया, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट आ गया, इकोनॉमी सर्विसेज का भी क्वेश्चन है। अब देखो यूपीएससी पीटी देखो ये, इसके बाद में जितने भी पेपर, अब देखो ये रहा, इससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं, मतलब इसके बाद 2023 के बाद में, उस सारे पेपर इंपॉर्टेंट तुम्हें करंट अफेयर की थीम बना के दे देंगे। भाई आपको हिस्ट्री में कौन से टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमी, सब के सारे टॉपिकों के बारे में। अब देखो मैं इसका बता रहा हूँ, ये हुआ था पीटी से पहले, है ना। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान से समझना। अब देखो ध्यान से समझना इसमें, ठीक है, ये तो कोई बेसिक ज़्यादा साइंस का चला जाता है, छोड़ो ये क्वेश्चन कोई काम का नहीं, ये छोड़ो, ये भी कोई, ये सब बहुत ज़्यादा साइंस के चले जाते हैं, छोड़ो, ठीक है। अपन वो देख रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चन यूपीएससी में आए हैं, अभी देखो मैं बताता हूँ यहाँ से, ये बेसिक साइंस के ज़्यादा है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। लोकटक, बारापानी, कोलेरू, देखो कोलेरू झील के बारे में पेशेंट क्वेश्चन पूछा 2023 में, अभी देखना और मैं बता रहा हूँ। यहाँ से बस थीम लेनी पड़ती है, थीम, ठीक है, जनगणना, ठीक है, ब्याज दर बढ़ाने के कौन सी नीति संगठित होगी, क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग इन, डंपिंग, तटीय राजभूत कर, मुद्रास्फीति को लेके जाती है, कौन सी नीति आयोग का क्या काम है, ठीक है, आगे देखा, मासिक प्रति, ये छोड़ो, उत्पेषण वाई टू क्राइटेरिया क्या होता है, राष्ट्रीय कौशल, ठीक है, सामाजिक न्याय, फिर पोषण अभियान, ठीक है। और उसमें क्वेश्चन बना था राष्ट्र, हाँ इसी से तो बना था, उसमें पोषण अभियान से रिलेटेड तो बना था, एक तो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला क्वेश्चन बना था, एक जननी स्वास्थ्य सुरक्षा वाला, और एक पोषण वाला क्वेश्चन भी बना था 2023 में, ठीक है। अभी आगे, हाँ, ये कितनी कितनी कैलोरी दी जाती है गर्भवती महिलाओं को दी जाती है, हाँ वो वाला क्वेश्चन बना था, रुको, और अभी देखो विजयनगर साम्राज्य, इसका मतलब इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसे बस ये थीम लेनी है अपने को। आगे देखो, अब देखो ये गुलबर्गा और विजयनगर हम्पी के मध्य भुवन में कौन सी दो नदियां बहती है, और यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा, इन नदियों पे कौन सा जो राजा था उसने वो बनाया था नहर, बस समझ रहे हो, क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, जाके देख लो किस नदी पे वो नहर के द्वारा उस विजयनगर साम्राज्य में उसने वो किया था, जो कृष्ण देवराय प्रथम था। अब देखो आंसर यही है, अब जाके इसका रिसर्च करोगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये रहा,
उसमें एक स्टेटमेंट बना के दिया था कि जो शेड्यूल एरिया जो होता है वो कौन रिकॉग्नाइज करता है, यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन। राष्ट्रपति। तो ये देखो ना ऑप्शन भी तो है यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं। अब देखो आगे रुक जाओ और मैं बता रहा हूँ। ये CISF वाली है पेपर। CDS का है अभी तो, अभी और देखेंगे। अभी तो सोचो कि 2022 तक से पहले पहले जो पेपर हुए हैं वो सारे देखने हैं, सारे क्वेश्चन मिलेंगे अभी देखने हैं यहाँ से। क्यों करंट, अब देखो G20 का क्वेश्चन मिल गया, G20 थीम है, थीम मिल गई मतलब यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, इसे याद रखने ना। ठीक है आगे देखो, अभी नेपच्यून के बारे में पूछा था, इनके बारे में पूछा था, पल्सर याद करो उधर यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा था। अब आगे जो देखो, तेज गति से घूमने वाले तारे को। अच्छा हाँ वो पल्सर इस टाइप क्वेश्चन पूछा था ना। राष्ट्रपति के बारे में हिंट मिला, यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन पूछा। अभी आगे देखो, सर 98 नंबर सर। नहीं वो एक अलग क्वेश्चन है, वो सिर्फ पूछन वो अलग तरीके से पूछा था। कंगाली कर्नाटक में है, ठीक है, और यूपीएससी ने पूछा था क्वेश्चन, 3 प्रकार के नाम दिए थे, ठीक है, ज्वालामुखी, ठीक है, मीनारी क्या होता है। अब आगे देखना, हाँ देखो पोर्ट के बारे में क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पोर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा, इसे पता लग जाता कि मतलब क्या चर्चा में चल रहा है, इम्पोर्टेंट क्या है, फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। अब देखो ये पेपर देखा ना, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन मिले। अब देखो NDA का पेपर देखना, अरे इसमें ना CCET का भी पेपर मिलेगा, अपन CCET का छोड़ो अभी GS पे अपन फोकस करते हैं। बात है कि भाई एक एक क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट, अगर 5-10 क्वेश्चन भी मिल गया अपने वो बहुत है, एग्जाम में एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट काम करता है। ये कोई मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है, आग्नेय सेल, ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ से मिलेगा एक आध क्वेश्चन अपने को, कौन सी शीत धारा नहीं है, सर पूरा ब्लर दिख रहा है सर, थोड़ा कुछ कीजिए। ब्लर दिख रहा मतलब सही नहीं दिख रहा, तो ये हो सकता तुम्हारी तरफ से, और नगीना तुम्हें दिख रहा सही, सही दिख रहा है सर। और तुम्हारी तरफ से दिक्कत। अब देखो ये क्वेश्चन पी तरंग वाला आया क्वेश्चन में यूपीएससी 2023 में, भूकंप का क्वेश्चन आया था नहीं आया था बताओ, अभी देखना अभी मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन मिला। आगे देखो, अरे जी प्राइमरी सेकेंडरी और ये का पी पी का पी और एस तरंगों के बारे में आया था, डायरेक्ट सेम क्वेश्चन है, सेम ये वाला सेम क्वेश्चन है, जाके देख लेना। अब आगे देखो,
और देखो विजयनगर साम्राज्य यहाँ फिर इम्पोर्टेंट है, विजयनगर साम्राज्य क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, हरिश्चंद्र चंद्रोपाध्याय, विशाखदत्त, कालिदास, यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। अब इनके बारे में पता कर लेते कि कौन कौन इन्होंने बुक लिखी है, और क्वेश्चन बन जाता हो। मैंगनीज का अग्नि उत्पादक कौन है? अभ्रक। अब देखो मृच्छकटिकम रचनाकार, अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ यहीं से क्वेश्चन बना है डायरेक्ट। तो अब देखो ये भारतमाला परियोजना पूछा, पर यूपीएससी ने उधर पूछा सड़कों के बारे में, वही सेम क्वेश्चन है ये। मतलब अगर आप देख लेते कि अभी कौन सा क्या चल रहा है। अब देखो ये पठान पोर्ट के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, कांडाला विशाखापट्टनम पूछा, जाके देख लो। मतलब ये, मतलब इसे ये पता लग जाता है, हिंट लग जाता है कि क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ से बनने के क्वेश्चन ज्यादा चांसेज है। COP27, 28 ये सब इम्पोर्टेंट है। G20 भी इस बार इम्पोर्टेंट है। अब देखो ये तो था सी डी एन डी जो जनवरी फरवरी में होते हैं, सी डी एन डी याद रखना, तो साल में 2 बार होता है, ठीक है। अब देखो ये जनरल जियो साइंटिस्ट वाला पेपर देख लिया था क्या अपन ने? एक मिनट रुको, जियो साइंटिस्ट वाला देखा था अभी सबसे हाँ पहले। देख लिया ये तो है ना, यहाँ से जो क्वेश्चन मिली मिले थे अपने को। अब देखो रुको, अब देखो जियो साइंटिस्ट इंजीनियरिंग वाला छोड़ो, अब ये पेपर देखो, ये वाला 2022 में हुआ था, इसकी भर्ती का पेपर सोचो, अब इसमें मिलेंगे आपको क्वेश्चन। वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता वाला क्वेश्चन, ठीक है। 13-17 संविधान संशोधन शक्ति प्रक्रिया किसमें संबंधित है, क्या है? तीसरा संविधान, 7वां, 12वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ पॉलिटी के लिए बना लेना, क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, पॉलिटी के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे ये क्वेश्चन कहीं मिलेंगे नहीं आपको। अब देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी 2023 में बना, कि कौन सा आयोग हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसे पता लग रहा है भाई अनुसूचित जाति आयोग है, और यूपीएससी ने यही क्वेश्चन दिया था। देखो ये रहा राष्ट्रपति के बारे में, यही सेम क्वेश्चन आया था, यही 20वां क्वेश्चन सेम, जाके देख लो 2023 में। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में 2022 का क्वेश्चन है सेम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट पेपर है ये। बहुत अच्छा पेपर है, मैं से बताऊँ पॉलिटी के लिए। ये देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, 33। अभी देखो फाइनेंस बिल वाला भी मिल जाएगा। ये देखो 34 क्वेश्चन,
और मैं फिर बता रहा हूँ ना, इस पेपर से क्वेश्चन कर लेना प्रैक्टिस, यहीं से क्वेश्चन फंसेगा। बस इसमें सूचना के जो अधिकार वाले क्वेश्चन छोड़ देना, पर मोस्टली इसमें 70-80 क्वेश्चन है जो बहुत काम के हैं, ये सूचना का अधिकार वाला छोड़ देना सारे, ये कोई मतलब नहीं, इतने स्पेसिफिक जाएगा नहीं। अभी देखो ये इकोनॉमी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 81 देखो, 82 क्वेश्चन देखो, ये अच्छे क्वेश्चन है, 83 क्वेश्चन, 84, इन्ना जी इकोनॉमी की बात हुई थी बजट में, इसलिए क्वेश्चन पूछा, मंदी के लक्षण क्या है, कह भूमि एमएसपी के बारे में, क्या फिर से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी, अच्छा क्वेश्चन है ये। ये जो सातवां क्वेश्चन देखो, यही 2023 में आया था, हो सकता है इसका आंसर एक बार देखना, पर मैं बता रहा हूँ कि यही सेम क्वेश्चन था वो, मतलब इसी एक्ट के बारे में। पॉलिटिक क्वेश्चन तो मैं फिर बता, प्रैक्टिस के लिए मान के चलो, जो यूपीएससी लैंग्वेज है उसमें सोल्व करने के लिए पेपर बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें पॉलिटी के ही मोस्टली क्वेश्चन है। अब देखो ये मेंस फॉरेस्ट का, सिविल सर्विस का मेंस एग्जाम, इससे पहले और पेपर देखो, सीडीएस एनडीए के इससे पहले दो पेपर और हुए थे, अभी देखो यहाँ से मिलेंगे ये आपको। किसके अंदर फॉरेस्ट? अरे फॉरेस्ट का मेंस का पेपर है वो तो। अब ये देखो, ये सीडीए एनडीए दो साल में 2 बार होता है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अब देखो किसने की, हरिसेन है। अब ये क्वेश्चन देखो डायरेक्ट मिला, मैं फिर मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये, अब यही यूपीएससी ने इस टाइप के क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अब आगे देखो, अभी पोर्ट के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, आगे देखना। भूखेन्द्र डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ, बना नहीं बना यूपीएससी 2023। अभी देखो अभी और मिलेंगे, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, बस वहां पे उसने क्या कर दिया था कि वो वाला उद्देश्य प्रस्ताव का ये डेट है, इस डेट को चेंज करके उसका उद्देश्य प्रस्ताव की जो वो कौन सी थी, पारूप कमेटी, उसके दे दिया था, यही सेम क्वेश्चन डायरेक्ट 2023 का क्वेश्चन। आगे देखो,
देखो विजयनगर साम्राज्य ये तो हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा, मैं फिर बता रहा हूँ। ये देखो रचयिता के बारे में क्वेश्चन पूछा, तो ये पिछले इसीलिए क्वेश्चन पूछा। राजमार्गों के बारे में क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने। राजमार्ग में कौन सा नेशनल हाईवे है, कौन सा सबसे बड़ा, कौन सा सबसे छोटा है? क्वेश्चन बना तो था ही वो, ठीक है। अभी देखो सीएपीएफ का क्वेश्चन तो देखा ही नहीं अभी, वो अभी तो वो पेपर भी है। बात है कि 15-20 क्वेश्चन भी अपने को मिल गए तो भाई बहुत बड़ी बात है ये। और इनका इन पेपरों में ये तो अभी 1 साल का ही पेपर देख रहे हैं अपन। अब देखो आया था कोयला के बारे में क्वेश्चन, ध्यान क्या हो रहा है ये देखो पहला क्वेश्चन देखो। बात ये नहीं, बात इनके बारे में जाके देखते, पक्का मैं बता रहा हूँ। इनमें जो क्वेश्चन बना था कि कोई में भी समुद्र जल यूज नहीं होता, ये इस टाइप की कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है पहला क्वेश्चन कर ले तो। अभी देखना, और अभी देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना थर्ड। बिच्चू भुट्टे के यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा। आप डीपी देखो, आईआईटी में जो है ना, अभी कुछ देर पहले आया था। अब देखो इधर देखो एमएसएमई का, देखो बिच्चू भुट्टे का यूपीएससी क्वेश्चन 2023 में पूछा था 2000। ये देखो एमएसएमई वाला क्वेश्चन, ठीक है। अभी आगे देखते जाओ, पारा के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 13 क्वेश्चन। देखो अब बता ना, क्वेश्चन मिलते ऐसा नहीं है, अब पढ़ोगे उसको अच्छे तरीके से, बस ये है कि हाँ थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, ऐसे भी नहीं मिलते हैं डायरेक्ट। अब देखो ये क्वेश्चन अगर 42 क्वेश्चन पे काम किए होते तो आराम से वो क्वेश्चन मिल रहा था। ये क्या हो गया, पेपर ही गायब कर दिया कि इन लोगों ने, क्वेश्चन ही गायब कर दिए।
देखो जॉर्डन, मोरक्को, तुर्की, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा। 99 नंबर। 98 स्विफ्ट प्रणाली भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2023 में, 99 वाला। अरे इसमें देखो ये तो बीच में तो क्वेश्चन गायब भी कर दिए, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन में। P75 नहीं वो अलग था, ये यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। भरमोज लो 102 क्वेश्चन। अब देखो मैं बोल रहा हूँ ऐसे हो ही नहीं सकता, यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से भागेगा, वो जाएगा कहाँ पे। अभी देखो भरमोज के बारे में, भरमोज और उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था, अग्नि मिसाइल के बारे में कंपेरिजन करके, इसको पढ़ लेते तो क्वेश्चन बन जाता। देखो राष्ट्रपति यहाँ से थीम में है, तो राष्ट्रपति इम्पोर्टेंट था। अभी देखो पेपर ही गायब कर दिया इन्होंने यहाँ पे, नहीं तो और क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। एक बार ये रुको, ये कौन सा पेपर है इसको देखना पड़ेगा दूसरी जगह से डाउनलोड करके। 2022 CDS एग्जाम 2022। चलो एक बात रुक जाओ, अभी पहले CAPF वाला और देखो। मेरा कहने मतलब कि ऐसे नहीं है, पेपर भाई आता है पर ऐसा नहीं है उसमें काम। बात यहाँ से 15-20 क्वेश्चन होगी तो हेल्प मिलेगी, मैं फिर बता रहा हूँ। और बात है कि 15-20 क्वेश्चन बहुत होते हैं, जो क्वेश्चन अपने मालूम नहीं आ रहे होंगे। अभी इसमें देखना, इसे CCET क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। ये देखो दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये तो बहुत CCET के लिए बहुत अच्छा है, CCET के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैग्नी तापक मैग्नीशियम कौन से बृहद पोषक तत्व का उदाहरण है। देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत अच्छा, 30 का क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अपने एक ऐसे 24 सदी का ये अच्छा क्वेश्चन है, CCET के लिए अच्छा है ये पेपर। ये देखो ए और बी मिलके यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी था, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया, मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ से। ये क्वेश्चन अच्छा, 3400 CCET का पेपर, CCET के लिए CAPF जो है CCET के लिए बहुत अच्छा है, ये चीज़ याद रख लेना, CCET के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। और कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट भी मिलेंगे आपको। अभी देखो यहाँ से देखो, ये क्रूज मिसाइल 48 क्वेश्चन। अब मैं देखो रुक जाओ, आज इसको मैं बताता हूँ। अब देखो एक क्वेश्चन अपन उधर देखे, एक क्वेश्चन ये मिला डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन। और ये इस क्वेश्चन का यही पता हो कौन कौन सी क्रूज मिसाइल है, यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था। अरे मैं बता रहा हूँ पेपर कहीं नहीं जाता, बस वही है कि आप थोड़ा बहुत काम करना, मेहनत करनी पड़ती है। देखो बिना मेहनत कुछ ही नहीं मिलेगा। ये 47 क्वेश्चन, इसको देखो। देखो रोपेल फिर यहाँ पे आया,
इसीलिए क्यों नहीं पूछा भाई क्वेश्चन रो फेल कब। देखो ये तीन इसी पेपर में दो बार रिपीट हो गया, इसीलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। देखो ये लो 74 क्वेश्चन बताओ अब। अरे यही क्वेश्चन पूछा था। अब देखो ये देखो हर्षवर्धन द्वारा रचित, मैं कितनी बार बोलो, देखो इसीलिए क्वेश्चन बना है भाई, आप ये चीज समझो कितनी जगह ये क्वेश्चन पूछा है राइटर का नाम, और यही फिर यूपीएससी ने पूछ डाला उधर। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ कि ज्यादा अब देखो पोर्ट के बारे में थीम था, इसीलिए पेशेंट क्वेश्चन पूछा। बीआरओ देखो चर्चा में था, इसीलिए पेशेंट क्वेश्चन पूछा सड़कों के बारे में। कंबाइंड मेडिकल वाले से में भी है क्वेश्चन, छोड़ो इससे पहले देख कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का हुआ था ना, ये मेंस वाला है, इंडियन इकोनॉमी सर्विसेज, ये मेंस का ही होगा। ये मेंस का है। अभी देखो प्रीलिम से पहले, तो मेरा कहने मतलब देखो बात है कि 15-20 क्वेश्चन तो ये मान के चलो श्योर है, 100% 100% श्योर है कि पेपर में आएंगे ही। 2023 से केवल है? केवल 2023 से या उससे पहले भी? 2023 के बाद पीटी के बाद जितने भी यूपीएससी ने पेपर कंडक्ट करवाए हैं, जैसे ईपीएफओ का भी हुआ, ईपीएफओ यहाँ देखे नहीं रखा है, ये जो पेपर मैंने बताए सीडीएस एनडीए वाले, ठीक है, और जियो साइंटिस्ट वाला सी हो गया, यहीं से 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर इनकी थीम पे अच्छे से, ईपीएफओ वाला क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। तो उन पे काम, उसके थीम पे काम कर लेना, क्वेश्चन आएंगे वहां से। तो मैं भेज दूंगा। हाँ तो भेज देना, तो उसमें क्या ही है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ समझो, कि एक चीज़ याद रख लेना कि पेपर तैयारी में, फिर इसलिए बता रहा हूँ, जब भी तुम लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि तैयारी पता नहीं क्या चल रही है क्या है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखो कि यूपीएससी पीवाई को जाके देखो बार बार, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये जो सारी चीज़ें चल रही है वो एक तरफ ही चल रही है, बस उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, गो टू, देखो डाउन टू अर्थ मैगजीन देखो, उसके थीम, बस थीम देख लो, टॉपिक वहीं से समझ में आ जाएगा। अभी देखो मैं अभी इस साल के इम्पोर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ तुम्हें, है ना।
अब देखो ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखो, ये देखो साइंस के लिए तुम लोग जो परेशान होते रहे, तो इन्वायरमेंट के लिए परेशान होते रहे, तो प्रदूषण वाला जो टॉपिक है जल प्रदूषण, यहाँ से पढ़ो। अभी जो नया चल रहा है वो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। मैगजीन टाइप से नहीं मिलती कि इसकी PDF रुको, जल रहा है प्रतिपादन नदी हेल्थ और चुनाव विकास वन जीव बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड वन अधिकार फॉरेस्ट राइट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट से कितनी बार क्वेश्चन बना, तो मैं फिर बता, जब तक आप लोग यहाँ से नहीं जाओगे ना, तब तक फिर वो है कि तुम करंट अफेयर पढ़ते ही रह जाओगे, पर यहाँ से सीखना पड़ेगा। डाउन टू अर्थ मैगजीन हो गया, साइंस रिपोर्टर हो गया, यहाँ से एटलीस्ट थीम तो फाइंड आउट कर लो एक बार देखने से। मैगजीन भी मिलता होगा, ऐसे नहीं है। प्रदूषण, रुको 1 मिनट, प्रदूषण प्रदूषण वाइट इसका पर, ऑफिशियल वेबसाइट ये ऑफिशियल वेबसाइट ही तो खोल के रखा है, ये तो वायु प्रदूषण के बारे में बात है ना कि नहीं, कुछ ना कुछ होगा। जैसे योजना वाली है ना हाँ वैसी ऑफिशियल मैगजीन वेबसाइट पे वो। मैगजीन आनी चाहिए, ऐसा नहीं, मेरी समझ नहीं, मैगजीन आती है इसकी, मार्केट में जाओगे तो आते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जरूर कर लो, ज्यादा करंट है फिर उधर। ये तो मार्च 2020 का है, रुको देखो मैं कुछ कुछ आपके, देखो यहीं से पता लग जाएगी। लाइट आई है क्या, पता नहीं, छोड़ो। देखो योजना मैगजीन, डाउन टू अर्थ मैगजीन, साइंस रिपोर्टर, कम से कम करंट अफेयर के 15-20 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, चाहे आप कुछ भी पढ़ लो, ये तो इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट है ये चीज़ याद रखना। ये वेबसाइट होगी ना इसकी, रुको मैं तुम लोगों ना कुछ टिप, साइंस रिपोर्टर, मैं फिर बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आया एक डायरेक्ट, वही ना, इनके मैगजीन कहाँ मिलती है, मैगजीन से बस इतना पता कर लेना कि क्या चर्चा में था। देखो ये रही, ध्यान से देखना, पिछले 1 साल का जरूर देखना, यहीं से क्वेश्चन बने। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ 2023 के पेपर का क्वेश्चन का ना, अपनी पूरा पूरा देखे रखा है ना, मान के चलो फरवरी 2022 के पेपर कब हुआ था, जून में हुआ था ना, उसके बाद में देखते हैं अपना ना। हाँ यहाँ से देखो है ना, अब ध्यान से समझना, 2023 की PT के लिए अपन देख रहे हैं। देखो मैं फिर बता रहा हूँ ना, अरे यहाँ से है ना, अभी तो मैं ऐसा लग रहा, क्या इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बस एक थीम आइडेंटिफाई कर लो और वो लिख लो और उसके बारे में पढ़ लो बस भाई। इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं है, अब विजन के मैगजीन वो ऐसे ही छाटने में काम आती है, अभी खुल ही नहीं रहा। अब देखो चलो यहीं से देखते हैं क्या क्या है। साइंस रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे स्पेशल, एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग एंड आई वेदर क्लाइमेटिक एंड पोल्यूशन, ठीक है, इसके बारे में थीम है। अब टेक्निकल एजुकेशन के बारे में है, बहुत अच्छा, मैं फिर बता रहा हूँ, वेब 3.0, देखो 2022 में क्वेश्चन बना था यहीं से। मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा इन क्वेश्चन, ये इसको देख लो, मैगजीन को देखो, ये आती है हिंदी में भी आती है, हिंदी में नहीं आती, नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बात है कि देखो कार्बन कैप्चर कब की बार, मैं पक्का बता रहा हूँ क्वेश्चन आएगा, अरे यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, पता नहीं खुल क्यों नहीं रहा है। अभी देखो कार्बन कैप्चर क्या इंपॉर्टेंट, अभी देखो ये सारी चीज़ें फीचर COP28, ठीक है, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स, स्नो फ्लैक्स, ठीक है, लव, अभी लव क्या है, अनवेलिंग द बायो केमिस्ट्री बिहाइंड द इंटेलिजेंस, मेट इंडियन साइंस ब्रेकथॉन, यहाँ से थीम पता करो, ये थीम पता करो। मैं फिर बार बताऊँ, चंद्रयान मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC ने क्वेश्चन पूछा, सितंबर में आया, वो जो इंडेक्स में दिए हुए रहते, वो
देखो ये सितंबर में आया था, मेंस में भी क्वेश्चन, फ्यूल्स क्वेश्चन भी यहीं से बनते, मेंस के देख लेना आपके रहमत स्वामीनाथन पे क्वेश्चन बनेगा, मेंस में भी बनेगा, ये चीज़ याद रख लेना। कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है, इन द नेम ऑफ द फर्स्ट, ये भाई यहाँ से एक बार मैं देखता हूँ मार्केट में, साइंस रिपोर्टर आती है तो है ये, मैं एक बार देखता हूँ डाउन टू अर्थ मैगजीन, तीनों जाके मुझे देखना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये मैगजीन देखो भाई, ये बहुत ज़रूरी है पीटी मेंस दोनों के लिए, ऐसे तो फिर भरोसा। मैं फिर बता रहा, एक तो खुद से मेहनत करना सीखो, ये तीन मैगजीन में फिर बता रहा हूँ, डाउन टू अर्थ, साइंस रिपोर्टर और योजना, ये तीनों आपका साइंस का करंट अफेयर, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का करंट अफेयर और योजना ही मान के चलो जो बेसिक जो होते हैं उनको लेके आपके सारे करंट अफेयर क्लियर कर देगा। 15-20 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे इससे बाहर, में इसकी गारंटी ले रहा हूँ, याद रख लेना ये चीज़। फिर मैं बता रहा हूँ तैयारी को, जब भी डर लग रहा है कभी तैयारी को, तो गो टू अपना होता है भाई रूट्स की तरफ जाओ, तो रूट्स क्या है अपने PYQ और सिलेबस। अब वो PYQ देखो ही मत, वो देखो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा, कहाँ से पूछ रहा, जैसे मैं देख रहा हूँ कि ओल्ड NCERT वेरी इंपॉर्टेंट, उस विपिन चंद्रा जरूर पढ़ना, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ विपिन चंद्रा मस्ट पढ़ना ही, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानी को इम्पोर्टेंट चैप्टर में बता दूंगा एक बार, ये चीज़ें मैं फिर बता रहा हूँ मस्ट है। वो आर्ट एंड कल्चर पढ़ के देख ले, कोई मतलब नहीं है, वो एक बार पढ़ के निकाल दो उसको, साइड में कर दो, कोई मतलब नहीं है वहाँ से, ठीक है। सतीश चंद्रा इम्पोर्टेंट है एंशियंट मेडिवल के लिए, वो जो रामचरण शर्मा वो इम्पोर्टेंट है, एक बार ये नई वाली भी NCERT एक बार पढ़ के देख लेंगे, उसमें से मैं जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट काम वो तो मैंने मैप बता ही दिए थे, वही काम के हैं। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, वही इम्पोर्टेंट है अब की बार के लिए, पीटी के लिए क्वेश्चन वहीं से बनेंगे जो, और बनेंगे जो योजना कुरुक्षेत्र से बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पॉलिटी, हो गया ज्योग्राफी, हो गया ज्योग्राफी 6 to 12 NCERT पढ़ो, ठीक है। अरे डाउन टू अर्थ मैगजीन इससे हो जाएगा, इकोनॉमिक इकोलॉजी भी इसी से हो जाएगा, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ बेसिक्स एक बार NCERT एक बार पढ़ के साइड में कर दो, उनको हाईलाइट करके बस खत्म, बार बार उसके बार रिवाइज कर लिए। और जब तक बेसिक्स पे आप इनके अच्छे से काम नहीं करोगे करंट अफेयर, तब तक तैयारी अधूरी मान के चलो। चलो ठीक है, कुछ पूछना तो बताओ, मैं फिर बता रही हूँ पेपर पे काम करना शुरू कर दो, पहले UPSC पेपर पे R&D करो, फिर उसके बाद में ये पेपर उठाना। अगर तुम लोग पहले UPSC पेपर पे काम नहीं किए तो कोई मतलब नहीं है, फिर इन इन पेपरों पे काम करके क्या ही कर लोगे। कुछ पूछना है?